हेलो इंटरनेट, आज के वीडियो में हम एक चेयर बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिक दाढ़ी बना देगी, मतलब बियर्ड शेप कर देगी। मतलब तो प्लान कुछ ऐसा है, इस ट्रिमर को हम एक सीएनसी, थ्री डायमेंशनल सीएनसी उस पर लगाएंगे, फिर ये शेविंग कर देगी। तो चलो अब बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने दो साइकिल के बील लगाए हैं, इनको हमने सेम डिस्टेंस पर लगाया है क्योंकि एक से काम नहीं बन रहा था, वो डिसबैलेंस हो रहा था। और ये बनाया है, ये हमारी मशीन का बेस है। यहाँ पर दो सर्वो मोटर लगाई हैं और ये दो बील लगाए हैं और ये सपोर्ट के लिए है, ये इसको ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब हम इसको एक सेटअप को एक कुर्सी पर लगाते हैं। तो एक डायमेंशन तो कंप्लीट हो गया है ये वाला। इसको हमने सर्कल में इसलिए बनाया क्योंकि हमारा चेहरा गोल होता है। तो अब हम इसका दो डायमेंशन और कंप्लीट करेंगे, एक ऐसे में और एक ऐसे में, फिर तीनों डायमेंशन आ जाएंगे हमारे पास। ये सबसे मुश्किल काम है इसमें, अभी अंदर जाना और बाहर निकलना। इसको खैर बाद में सॉर्ट आउट कर दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगी मशीन। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये दो बनाए हैं, ये ऊपर नीचे के लिए, मतलब इसको हम ऐसा लगाएंगे और ये आगे पीछे के लिए है। तो इसको इस पर ऐसा लगाएंगे हम, तो इससे हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाएंगे कवर, एक ये मतलब ऊपर नीचे और ये एक ये मतलब आगे पीछे। तो यहाँ पर हमारी मशीन बन गई है, चलो इसको चला के देखते हैं। यहाँ पर हमने सेंसर एंसर और इसके कनेक्शन कर दिए हैं, इसका कमांड प्रोग्रामिंग भी कर दी है। हाँ, और हमने यहाँ पर गियर मोटर लगाई है क्योंकि जो स्टेपर मोटर थी वो लोड नहीं ले रही थी, मतलब जो इसका वजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो हमने इसमें स्टेपर मोटर लगाई थी वो छोटी थी और उसके हिसाब से ये ज़्यादा हैवी हो गया है। तो और अगर बड़ी साइज की लगाऊं तो इसका बजट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो अभी ये सिंपल ये चेक करने के लिए है कि ये मैकेनिज्म काम करता है कि नहीं, इसलिए मैंने गियर मोटर लगाई है। इसके बाद मैं स्टेपल मोटर ही लगाऊंगा क्योंकि अभी इसको रन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चलो तो देखते हैं कि कैसी दाढ़ी बनती है और इस पर बैठेगा कौन। ओके, तो मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, चलो इसको चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिमर को ऑन करेंगे।
इसमें भी थोड़े। तो ये काम करती है। मैंने इसको दो बार चलाया क्योंकि पहली बार कहीं कहीं उसने बाल छोड़ दिए थे। और मैंने इसको चलाया कैसे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं इसका पेटेंट ले लूंगा। अभी तो इसको इस पर बहुत काम करना है, इसको इतना अच्छा बनाना है कि एक इंसान को टक्कर दे पाए, और इसके लिए इसमें अभी बहुत काम करना है। अभी हम अगले पार्ट में इसको और अच्छा बनाऊंगा। इसमें मैंने कुछ कमियां पकड़ी हैं। पहली तो ये है कि खैर वो आप उसी पार्ट में देखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर डोनेशन करना चाहते हो तो डोनेशन करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।